कटार की रिपोर्ट के अनुसार ब्यावर भिलवाड़ा सड़क मार्ग पर रोडवेज बसों से संचालन हेतु एवं निजी बसों की मनमानी रोकने हेतु परिवहन मंत्री के नाम पर उपखंड अधिकारी सीएल शर्मा को सौंपा ज्ञापन। आसिंद हुड़ा विधायक जबर सिंह सांखला एवं आसिंद उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आए हुए लोगों ने उपखंड अधिकारी सीएम शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ब्यावर भिलवाड़ा आए सिंध बदनौर मार्ग पर 20 से 25 मिनट के अंतराल में प्राइवेट बसों से जनता बहुत परेशान है। मनमाना कंडक्टर के द्वारा मनमानी किराया वसूल पर महिलाओं के साथ अभद्र का व्यवहार करते हुए वही हाल ही में राजस्थान रोडवेज की बसें आसिंध से जयपुर एवं सिंध से कोटा एम मार्ग पर संचालित है, जिसमें यहाँ यात्रियों के अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग जन महिलाओं के लिए विशेष छूट का प्रावधान देते हैं। वहीं इसके तहत प्राइवेट बसों से मालिक इन दोनों रोडवेज के आगे पीछे बसों पर लगा रखी है, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचकर एक रोडवेज बस को बंद करवाने की साजिश हो रही है। वहीं विधायक जब्बर सिंह का खला एवं ग्रामीणों ने निजी बसों से संचालन का पूर्ण रोक कर बताया है कि रोडवेज बसों के संचालन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा ही है। इस दौरान आसिंद हुड़ा विधायक जबर सिंह सांखला ने नगर पालिका घेरमैन देवीलाल साहू, पूर्व उपजिया प्रमुख रामचंद्र सेन, भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष सत्यनारायण चीचा और किरण सिंह चू डावला, परसराम सोनी और पार्षद अनिल सिंह तंवर और सहित परमवासी में जुड़ रहे हैं। नेतृत्व में एजी साहब को ज्ञापन देकर हमने एक मांग की कि रोडवेज बसों का संचालन ब्यावर भिलवाड़ा रोड पर संपूर्ण रूप से चलाया जाए और एवं जो कोटा मार्ग पर जो रोडवेज बस चल रही है उसके आगे पीछे की बसों का जो जमावड़ा कर रखा है उनको रोका जावे और जनहित में रोडवेज बसों का सुगम संचालन किया जाए। ये ज्ञापन हमने एजी साहब के प्रशासन से मांग की है और ये मांग शीघ्र प्रशासन पूरी करें।